उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज हो गया है। इसके बाद बीजेपी के दोनों उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान की निर्विरोध जीत तय हो गई है। खबर के मुताबिक नामांकन पत्र की जांच के दौरान कीर्ति कोल ने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी थी वो 30 साल से कम थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को एमएलसी चुनाव में बड़ा झटका लगा है। एमएलसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया है। कम उम्र के चलते उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है। कोल के नामांकन निरस्त होने के चलते अब बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाले गोरखपुर की क्षेत्रीय बीजेपी इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष निर्मला पासवान का रास्ता अब साफ माना जा रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा था, प्रेस पत्रकार बंधु से आज भी कह रहे हूँ, जिनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है सपा वालों को, वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसी गलती का नतीजा आज हमारी छोटी बहन ने भुगता। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, महिला हूँ। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, मुझे बहुत ज्यादा। दरअसल विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी, जिसके चलते रिटर्निंग अफसर की तरफ से नामांकन पत्र की जांच के दौरान आज नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की गई। जय 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 अखिलेश करने वालों की वजह से समाजवादी पार्टी हर रोज बैकफुट पर जाने को मजबूर हो जाती है। ताजा उदाहरण है एमएलसी चुनाव। क्या समाजवादी पार्टी के विशेषज्ञ ये नहीं जानते हैं कि एमएलसी चुनाव के लिए 30 साल का उम्र होना जरूरी है? अगर जानते हैं तो क्या वो आदिवासी महिला को एक मोहरे के तौर पे यूज कर रहे थे? इस तमाम फैसलों से एक बात साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी में अनुभवहीनता की कमी है, और कमी है तो आगे आने वाले समय में इनका नैया कैसे पार लगेगा। सपा ने आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कोल को विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट दिया था। वो राज्य के आदिवासी क्षेत्र सोनभद्र से आती हैं और 96 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कोल को टिकट देने के जरिए राज्य के आदिवासी समाज को संदेश देने की कोशिश की थी। सपा ही राज्य में आदिवासी समुदाय की फिक्र करती है। कीर्ति कोल का नामांकन तो रद्द हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहीं ये सपा की कोई चाल तो नहीं, कहीं कीर्ति कोल को चुनाव के बहाने मोहरा तो नहीं बनाया गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस पार्टी को सियासत और चुनाव का इतना लंबा अनुभव हो, उसने बिना उम्र पता किए कैसे किसी प्रत्याशी का नामांकन करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।